नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 अगस्त 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं? पहला आर्टिकल जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है शेकी फाउंडेशन ऑफ लेबर लॉ रिफॉर्म्स। आपको पता है सरकार ने चार लेबर कोड्स को इनैक्ट किया है। अगस्त 2019 में कोड ऑन वेजेस को इनैक्ट किया था और सितंबर 2020 में तीन और कोड्स को इनैक्ट किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। हालांकि इनके अंदर के नियम कानूनों को बहुत लेट फ्रेम किया गया है और जो अलग अलग राज्य की सरकारों को नियम कानून यहाँ पे फ्रेम करने पड़ते हैं वो भी बहुत लेट फ्रेम किए हैं। अब यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस निकल के आई हैं। क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से और राज्य की सरकारों से बोला कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को तुरंत लागू करो और जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को में लेके आओ, मतलब NDUW, नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बनाओ और 31 जुलाई तक देश में जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनका डाटाबेस इसके अंदर अपडेट करो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जितने भी लेबर कोड्स हैं उनको सही प्रकार से इंप्लीमेंट कर दिया जाता, इनके अंदर के जितने भी प्रोविजंस हैं उनके ऊपर प्रॉपर नियम कानून बना दिए जाते तो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन को आराम से पूरा किया जा सकता था। लेकिन अभी के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 की डेडलाइन रख दी है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर कोड्स की। तो जब लेबर कोड्स आपने सितंबर 2020 में और अगस्त 2019 से बना दिए हैं तो इनके अंदर के डिटेल नियम कानून बनाने में आपको इतनी देरी क्यों हो रही है? तो ऑथर ये बोल रहा है कि यहाँ पे सरकार नियम कानून तो बना रही है लेबर कोड से रिलेटेड बट उसको इंप्लीमेंट करने की विल पावर नहीं है सरकार के पास। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इस आर्टिकल को खंगा लेंगे। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया ईरान एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ डिटेंटे। देखिए ये बताया जा रहा है शुरुआत में सऊदी अरेबिया और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे थे लेकिन जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद से रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं। पर्शियन गल्फ की ओवरऑल पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है, अलग से इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है रोड अहेड फ्रॉम गोगरा। देखिए रोड अहेड फ्रॉम गोगरा, इस आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं बताया गया है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, गोगरा पोस्ट PP17A डिसएंगेजमेंट। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि इसके बाद PP15 के डिसएंगेजमेंट के ऊपर बात होगी जिसको आप हॉट स्प्रिंग्स बोलते हो, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो देवसांग प्लेन्स का है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ भी अलग नहीं बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कोड रेड की। रिसेंटली ही इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने कुछ वार्निंग्स इशू की हैं। इन वार्निंग्स के बारे में कल विनीत सर ने अपनी एक वीडियो के थ्रू समझाया है। अगर आप कल विनीत सर की ये वीडियो देखें, 6th IPCC रिपोर्ट वार्म्स अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो छठी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है और ये IPCC रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और एक्चुअली में IPCC जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, इसके बारे में कल डिटेल में एक लेक्चर विनीत सर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं इस आर्टिकल को स्किप नहीं कर रहा हूं। तो डेफिनेटली IPCC वाला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, यहां पे फेमिनिज्म से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, मतलब किस प्रकार से इंटरनेट पे लड़कियों के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, खासकर उन लड़कियों के अगेंस्ट जो कुछ ज्यादा ही वोकल है। तो अलग से इसको टेकअप करेंगे, यहाँ पे टेकअप नहीं करेंगे। यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं टेकअप करने के लिए। एक आर्टिकल है वेस्ट बंगाल की क्राइसिस को लेकर। भाई 3 महीने बचे हैं केवल ममता बनर्जी जी के पास अपने आप को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बचाए रहने के लिए, या तो वो किसी न किसी 7 असेंबली सीट्स जो कि खाली हैं उस पर MLA इलेक्ट हो या फिर एक नई मेंबर ऑफ मतलब एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए वेस्ट बंगाल में और वहां से MLC चुने। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला एंगल तो बहुत ही मुश्किल है हो पाना, और ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस हुए हैं पहले जिसके बेसिस पे BJP पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, बाकी लीडर्स को इस प्रकार से कुर्सी पर बैठना पड़ा है? क्योंकि सुवेंदु अधिकारी से हार गई है यहाँ पे ममता बनर्जी, तो चीफ मिनिस्टर तो अभी के लिए बनी हुई है बट 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कंटिन्यू होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके व्यू पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आर्टिकल में। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सर्कुलर इकोनॉमिक फॉर प्लास्टिक को लेके। ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये कितना खतरनाक है उसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, साथ साथ इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की बात की गई। क्या है ये इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, क्या होगा इस इंडिया प्लास्टिक पैक्ट से, और इंडिया प्लास्टिक पैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये इस बात से पता चलेगा कि जो पहला प्लास्टिक पैक्ट साइन हुआ था वो UK में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में साइन हुआ था 2018 में, और उससे UK को कितना फायदा हुआ और हम ये जो नया प्लास्टिक पैक्ट आएगा जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लेके आएगा इंडिया के अंदर, इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चार आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो शुभम पारखी ने हमको ज्वाइन किया,
प्रवीण कुमार पांडे ने हमको ज्वाइन किया। प्रवीण कुमार पांडे का ये 8th month है एज अ मेंबर। वेरी वेरी वेलकम प्रवीण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 8 महीने से अगर किसी ने मेरे को एज अ मेंबर ज्वाइन कर रखा है, डेफिनेटली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से उनको हेल्प मिल रही होगी। प्रवीण कुमार पांडे के तो अक्सर कर मैं कमेंट्स भी देखता रहता हूँ, तो थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। फिर राहुल आनंद ने हमको ज्वाइन किया, राजर्षि भट्टाचार्य ने हमको ज्वाइन किया, शैली चौहान ने हमको ज्वाइन किया। शैली चौहान का ये 3rd month एज अ मेंबर, वेरी वेरी वेलकम बैक शैली। आदित्य मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया, कृणाल चौधरी ने हमको ज्वाइन किया, मिस्टर केक ने हमको ज्वाइन किया। मिस्टर केक का ये 2nd month एज अ मेंबर, वेलकम मिस्टर केक, जो भी इनका ओरिजिनल नाम हो, यहाँ पे इन्होंने मिस्टर केक लिख रखा है तो मिस्टर केक बोल रहा हूँ मैं। R07 ने हमको ज्वाइन किया और अक्षय कुमार कांबले ने हमको ज्वाइन किया। तो अक्षय कुमार कांबले, R07, कृणाल चौधरी, आदित्य मिश्रा, राजर्षि भट्टाचार्य, राहुल आनंद, शुभम पारकी, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एज अ मेंबर, थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स। उसके साथ साथ स्पेशल वेलकम टू मिस्टर केक, 2 months एज अ मेंबर। फिर शैली चौहान 3 months एज अ मेंबर एंड प्रवीण कुमार पांडे, स्पेशल वेलकम टू यू 8 months एज अ मेंबर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। इससे काफी हेल्प मिलती है, इसलिए स्पेसिफिकली मैं एक्नॉलेज करता हूँ उन लोगों को जो कि एज अ मेंबर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए अपने डिस्कशन को चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल, द शेकी फाउंडेशन ऑफ लेबर लॉ रिफॉर्म्स, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। इट कुड बी अ लॉन्ग वेट बिफोर द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एंजॉय द सो कॉल्ड बेनिफिट्स एक्सटेंडेड बाय द लेबर कोड्स। देखिए, लेबर कोड्स की बात की जाए तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, मतलब जो बीजेपी की सरकार है अभी के लिए केंद्र पे, इन्होंने कोड ऑफ वेजेस को इनैक्ट किया था अगस्त 2019 में। और बाकी 3 जो कोड्स थे, जिसमें एक है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, और तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। मैं बता दूं, ये कोड्स भी 2019 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उन कोड्स को विड्रॉ कर लिया गया, नए कोड्स लाए गए और सितंबर 2020 में इनको पास करा दिया गया। अब इनको पास तो करा दिया गया, लेकिन जब भी कोड, जब भी कोई एक्ट पास कराया जाता है पार्लियामेंट से, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके ग्राउंड लेवल के रूल्स बनाए जाते हैं, उसके ड्राफ्ट रूल्स बनाए जाते हैं। इन ड्राफ्ट रूल्स को पूरी तरीके से नहीं बनाया गया, इनकम्प्लीटली इन कोड्स के ड्राफ्ट रूल्स को बनाया गया, पहली बात तो ये बताई जा रही है। उसके साथ साथ आप देखोगे इनकम्प्लीटली कैसे, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स इन कोड्स के अंदर जिनको अभी भी मतलब पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए रूल नहीं बनाए गए। जैसे फॉर एग्जांपल, रिकॉग्निशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैव नॉट बीन फॉर्म्ड सो फार। तो ये जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, ये जो बाकी कोड्स हैं, इनके अंदर ये जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं वर्कर के, इन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगा। अब ये रिकॉग्निशन किस प्रकार से मिलेगा, इसके लिए क्या नियम कानून होगा, इसके बारे में अभी भी नियम कानून नहीं बनाया गया। अब एक और बात बता दो, इन कोड्स के इनएक्टमेंट को लेके भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। जब ये कोड्स पास किए गए थे ना, उस समय पे आप कह सकते हो कोरोना वायरस का पैंडेमिक अपने जोर पे था। ओवरऑल आप देखो तो बहुत तेजी से इन कोड्स को पास करा दिया गया लोकसभा राज्यसभा से। इनफैक्ट राज्यसभा में थोड़ा बहुत अपोजिशन था, बट अपोजिशन की ना बात सुनते हुए, मतलब अपोजिशन ने प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करके रखा हुआ था। आपको पता है फार्म बिल को लेकर एजिटेशन चल रहा था, इस एजिटेशन के चलते अपोजिशन ने बॉयकॉट कर रखा था। बॉयकॉट होने के बावजूद इन लेबर कोड्स को राज्यसभा से पास करा दिया गया, तो उस समय पे भी सरकार को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया था कि इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स आप पास करा दे रहे हैं बिना अपोजिशन से कंसल्ट किए। लेकिन ओवरऑल चलो ठीक है, रिफॉर्म पास हो गए, पास हो गए। अब इन रिफॉर्म्स के दम पे एम्प्लॉयर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दोनों को ट्रेमेंडस होप है। लेकिन अगर आप इन रिफॉर्म्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए रूल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब रूल बनाने वाली बात पे देखो तो प्रॉब्लम है। 1 अप्रैल 2021 को देखा जाए तो राज्य की सरकारें इन रूल्स के लिए प्रिपेयर नहीं है। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रीजनल इलेक्शंस के लिए अपना जोर लगा रही थी। आपको पता है वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, आसाम में इलेक्शन हुए, तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, अभी यूपी में इलेक्शंस होंगे। तो जो बड़ी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शंस में बिजी रहती हैं। तो इन सब इलेक्शनरिंग के बीच में एक नियम कानून पास तो हो जाता है, एक्ट तो बन जाता है, बट मेन चीज होती है उस नियम कानून को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना। वो इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे इग्नोर हो जाता है। तो भले ही सरकार यहाँ पे बोल रही है कि हमने लेबर लॉ रिफॉर्म्स किए हैं और दुनिया भर में अपने आपको दिखा रही है कि हम सीरियस हैं, हमने लेबर लॉ रिफॉर्म्स किए हैं, बट द इंटेंट टू इंप्लीमेंट द कोड्स इज मिसिंग। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि इन कोड्स को इंप्लीमेंट करने की जो इंटेंट है सरकार की, वो मिसिंग है। तो भले वो अपने आप को कितना भी चेस्ट थंपिंग करते रहे, बोस्ट करते रहे कि हमने देखो नियम कानून लागू कर दिए, ले आए, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे वो लागू हो नहीं रहे। तो ये जो पूरा का पूरा एक्ट है लेबर लॉ को लागू करने का, सिंबॉलिक है, इट इज नॉट मीनिंगफुल।
अब देखा जाए तो सरकार ने अभी के लिए इंप्लीमेंटेशन डेट क्या रखी है लेबर लॉस की, तो 1 अक्टूबर 2021 रखी, मतलब वो डिले हो रहे हैं। अगस्त 2019 में एक कोड आया था, फिर सितंबर 2020 में, और अक्टूबर 1, 2021 से लागू होंगे। इतना लंबा समय लग रहा है रूल्स इंप्लीमेंट करने में, और सुप्रीम कोर्ट यहां पे प्रेशर डाल रहा है राज्य की सरकारों के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर, क्यों कि वन ONOR स्कीम यानी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट करो, और जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर उनको रजिस्टर करो अंडर द नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। अब ये जो नेशनल डाटाबेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर का, इसमें 31 जुलाई 2021 तक सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को रजिस्टर करना है। ठीक है भाई, ये बात यहाँ पर बताई गई। तो ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आपकी, राज्य सरकार की, केंद्र की सरकार की, उनके सामने अब दो चीजें यहाँ पे आ गई हैं। पहली बात तो उनको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को भी पूरा करना है, ठीक है। दूसरी बात, 1 अक्टूबर 2021 तक यहाँ जो केंद्र की सरकार ने रूल्स इंप्लीमेंट करने को कहा है ये भी पूरा करना है। अगर आप बात करो वन नेशन वन राशन कार्ड की, तो इसमें आधार सीडिंग जरूरी है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जरूरी है, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं वहां पे आधार को ऑथेंटिकेट करना जरूरी है, तो वो लेबर्स जिनके पास अब तक आधार नहीं उनको अपने आप का आधार नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा, इस आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए जितनी भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं क्लास सरकार के अंदर, वहां पे ऑनलाइन सिस्टम्स होने चाहिए ताकि ये जो वर्कर्स आए अपना थंब लगाए उसके बेसिस पे अपना राशन आकर ले चले। तो ये अपने आप में एक मुश्किल काम है इस चीज को इंप्लीमेंट करना। प्लस NDUW नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, इसकी जो 31 जुलाई 2021 की डेट है ना, 40 करोड़ वर्कर्स को यहाँ पे आप कह सकते हो रजिस्टर करना है। तो 40 करोड़ यहाँ पे कंजर्वेटिव फिगर है, मतलब एटलीस्ट 40 करोड़ लोगों को तो यहाँ पे रजिस्टर करना ही है। अब इस चीज की मांग सुप्रीम कोर्ट से बहुत पहले से हो रही है, इनफैक्ट अर्ली 2020 से हो रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनैक्ट तो कर दिया कि 31 जुलाई 2021 तक NDUW के अंदर आप इन 40 करोड़ वर्कर्स को रजिस्टर करो, बट एक्चुअली में इनको रजिस्टर कर पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की पता है, ये बात सरकारों को भी पता है। और खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले कई सालों से ये ऑर्डर दे रही है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर इंडिया में जहां जहां भी काम कर रहे हैं उनको आप रजिस्ट्रेशन करो, उनका एक प्रॉपर सेंट्रलाइज डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। बट क्या अलग अलग केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी? नहीं मानी, क्योंकि ये काम ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑन द मूव रहते हैं, कभी किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, कभी किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, गांव से कोई ठेकेदार लेके आया, 2-3 महीने एक बिल्डिंग में काम कराया, वापस फिर गांव चले गए, फिर उस गांव से किसी एक स्टेट में पहले गए थे, अब किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वेक्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इतना ज्यादा ऑन द मूव रहते हैं और इतने हैफेजर्ड वे में काम करते हैं कि इनका सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बना पाना बहुत मुश्किल है। जब तक पैन इंडिया आधार सीडिंग वाला सिस्टम नहीं होगा, सबके पास आधार नंबर नहीं होगा, फिर प्राइस शॉप्स या फिर कह लीजिए कोई सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जहां पे इन वर्कर्स की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट किया जा सके, जब तक इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ये बोल देना कि सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रजिस्टर करो, सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को NDUW के अंदर रजिस्टर करो, ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो भले ही 31 जुलाई 2021 की डेट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये टारगेट पूरा होगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। फिर खास बात ये है कि ये जो कोड सरकार ने इंप्लीमेंट किए हैं इनकी बेसिस पर सरकार ने बोला कि यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इन्हांस्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, ये सब दी जाएंगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्या ये दिया जा रहा है? वैसे तो देखा जाए तो कुछ चीजों में ये जो नए नियम कानून आए हैं ये बड़े प्रोग्रेसिव हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी इंप्लॉयज अपना ट्रेड यूनियन बनाएंगे, इस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन देना होगा इंप्लॉयर्स को, तो ये काफी अच्छा नियम कानून है। बट किस प्रकार से रिकॉग्निशन देना होगा, इसका नियम कानून, इसका ड्राफ्ट रूल बनाना, ये सरकार ने अब तक नहीं किया। ओके, तो भले ही आप देख लो कि कुछ प्रोग्रेसिव नॉर्म्स हैं इन रिलेशन इन कोर्ट्स में, लेकिन इन प्रोग्रेसिव नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे रूल्स मिसिंग है। प्लस यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि 3 अगस्त 2021 को सिंप्लियंस वेबसाइट पे ये सर्व कर रहे थे, एक लॉ पोर्टल है, और इस वेबसाइट के हिसाब से इनको पता चला कि बहुत सारी राज्य की सरकारों ने अभी कोई नियम कानून नहीं बनाया इन कोर्ट्स के अंदर। इन कोर्ट्स के अंदर नियम कानून पार्लियामेंट बना सकती है, और सरकार बना सकती है, पार्लियामेंट तो पास करती है किसी बिल को, एक्ट बनाती है, और उसके बाद उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए नियम कानून केंद्र की सरकार बनाती है, और उन नियम कानूनों के हिसाब से अपने रीजनल लेवल पे काम करने के लिए राज्य की सरकार नियम कानून बनाती है। तो कुछ मेजर स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन्होंने कोई ड्राफ्ट रूल्स नहीं बनाए इन कोड के अंदर। कर्नाटक, गुजरात, झारखंड ने रूल्स फॉर द कोड ऑन वेजेस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के ऊपर नियम कानून बना रखे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब ने हर जगह के लिए बना रखे हैं।
तो भाई खास बात यहाँ पे क्या है, खास बात ये कि कोड ऑन वेजेस अगस्त 2019 में आया, लेकिन मार्च 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी कमेटी बनाई। 3 जून 2021 को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई 3 साल के टेन्योर के साथ, जो कि मिनिमम वेजेस के ऊपर अपनी राय देगी। तो जब कोड ऑन वेजेस आ चुका है अगस्त 2019 में, तो इसकी एडवाइजरी कमेटी, जो कि देखिए कोड ऑन वेजेस के अंदर ये नियम कानून है कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और वो एडवाइजरी कमेटी इस बात की राय देगी कि मिनिमम वेजेस कितनी होगी। तो एडवाइजरी कमेटी बनाने में आपको मार्च 2021 हो गया फ्रॉम अगस्त 2019, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी आपने 3 जून को बनाई, जिसका 3 साल का टेन्योर है, मतलब अगले 3 साल तक ये इस बात पे बहस करेंगे कि भाई मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। हाँ, 12 जुलाई 2021 को ये जरूर बोला गया है कि जो वेजेस इंडेक्स है उसका बेस ईयर 1965 से 2019 किया जाएगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर वर्कर की बेसिक मिनिमम वेज कितनी होगी, इसके लिए बेस ईयर 2019 रखा गया। तो 2019 की महंगाई के हिसाब से यहाँ पे वेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो कि एक अच्छा स्टेप है। इससे शायद इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो तनख्वाह है, जो दिन की कमाई है, वो थोड़ी बढ़ जाए आगे। हालांकि अभी भी सरकार इस बात के ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि मिनिमम वेजेस को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये जान सकते हो कि ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत लैकिंग है, और इसके कुछ बड़े खतरनाक आउटकम्स भी हैं। खतरनाक आउटकम्स कैसे? देखिए, मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हो रहे हैं। कोविड-19 पीरियड के समय पे भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मई से जून 2021 में 32 मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए इंडिया में, जिसमें 75 वर्कर्स की जान गई है। 4 इंसिडेंट्स हुए थे 2020 में अकेले वाइजैग में। सेफ इन इंडिया एनुअल रिपोर्ट्स, जिसको आप नाम देते हो क्रस्ट, 2019 और 2020 की जो क्रस्ट नाम की रिपोर्ट है, ये एक डिस्टर्बिंग पिक्चर देती है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ गुड़गांव। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन रिपोर्ट्स के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स लगातार हो रहे हैं। अब ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जा सकते थे अगर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता, बट सरकार ने ग्राउंड लेवल पे नियम कानून ही नहीं बनाए हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जब नियम कानून ही नहीं बनाए हैं, तो पुराने ढर्रे पे ही काम हो रहा है, और पुराने ढर्रे पे काम होने के चलते इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हमको लगातार देखने को मिल रहे हैं। प्लस कोविड-19 के चलते इनफॉर्मेलिटी बहुत है मार्केट में, ठीक है। अब ये जो कोड्स हैं, ये ओवरऑल लेबर फोर्स के फॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट कोविड-19 में इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है और ये लेबर कोड्स तब भी इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। तो वर्करों की कमाई बढ़ रही है, ओवरऑल लेबर मार्केट से वर्कर्स का विड्रॉल बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जबकि ये सब चीजें कम करना टारगेट है इन लेबर कोड्स। अगर आप एक बार को इंप्लीमेंट कर देते तो शायद सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती लीगल की, हाँ भाई हमें लेबर्स के लिए ये करना है। इंप्लॉयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, बट सरकार ऐसा कर नहीं रही। ओवरऑल जो फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है एक वर्कर की एक दिन की, वो 178 रुपये है, वो भी तब जब जून 2021 में WPI 12% से बढ़ा है। तो यहाँ पे सरकार को इमीडिएट बेसिस पे वर्कर्स को मदद देने की जरूरत है, अनऑर्गेनाइज्ड और माइग्रेंट वर्कर्स, और यहाँ पे सरकार कुल मिला के इन प्रॉपर कोड्स को भी सही समय पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, जो कि इंप्लॉयर्स के ऊपर कुछ नियम कानून लगाते हैं कि हाँ भाई आप वर्कर्स के लिए इतना करो उतना करो, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ ग्राउंड पे। बस यही बातें यहाँ पे बताई जानी है। इनफैक्ट द हिंदू का सार ये है कि कोई भी पॉलिसी हो, यहाँ पे सरकार ने जो कुछ किया हो वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है उसको बताना। अब देखिए, कुछ जगहों पे बिल्कुल ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था आपका लेबर कोड वाला, इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिखा मुझे, यहाँ पे फैक्ट स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, जो कि मुझे काफी ठीक लगा। ओके, तो जब फैक्ट्स के बेसिस पे बात होती है तो चीजें थोड़ी सही लगती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सिंप्लियंस वेबसाइट पे जो डाटा है वो कितना अपडेटेड है, ग्राउंड लेवल पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग कितनी प्रॉपर तरीके से हो रही है, ये एक सवाल जरूर उठ सकता है, बट ओवरऑल पिक्चर इन लेबर कोड्स की इंप्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में बहुत ग्लूमी है। नेक्स्ट बात करते हैं कोड रेड। IPCC वार्निंग ऑन क्लाइमेट पॉइंट्स टू अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट स्टिल एग्जिस्ट। क्या बताया जा रहा है? देखिए, रिसेंटली इंटर गवर्नमेंटल प्लेनेट ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट वार्निंग इशू की है। इन्होंने बोला है कि भैया ये ग्लोबल वार्मिंग अगर अनमिटिगेटेड तरीके से चलती रही तो आगे आने वाले समय में ऐसा कैटेस्ट्रॉफ आएगा ह्यूमन एक्टिविटी के चलते कि वाइल्ड फायर्स भी बढ़ेंगी, हीट वेव्स भी बढ़ेंगी, एक्सट्रीम रेनफॉल भी बढ़ेगी और फ्लड्स भी बढ़ेंगे, और ये सब चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से होगा। ये जो IPCC वर्किंग ग्रुप है ना, इस वर्किंग ग्रुप ने क्या बोला है कि भाई डीप कट्स होने चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में और अदर ग्रीनहाउस गैसेस में। मतलब कि आप तुरंत नेट जीरो एमिशंस पे मूव ऑन करो अगले 4 से 5 सालों में। आप बहुत लंबे समय, जैसे कि चाइना बोलते हैं ना कि हम 2060 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होंगे,
इतना लंबा समय है नहीं आपके पास। अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और COVID-19 ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया है ना ह्यूमैनिटी को, उससे ज्यादा नुकसान ये क्लाइमेट चेंज पहुंचाएगा, ये बात बताई जा रही। फिर ये बोला जा रहा है, इस रिपोर्ट ने दुनिया भर की कंट्रीज के बहुत सारे लीडर्स को क्रिटिसाइज किया है, बोला है ये लीडर्स बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज में ये कर देंगे वो कर देंगे, बट एक्चुअली में ये कोल और फॉसिल फ्यूल्स के यूज को प्रमोट कर रहे हैं। और चूंकि इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी यहां पे रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं कर रही है, तो सस्टेन्ड ग्लोबल वार्मिंग देखने जाने वाली है आगे। और खास बात यह है कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हॉट एक्सट्रीम मरीन हीट वेव्स, हैवी प्रेसिपिटेशन, एग्रीकल्चरल इकोलॉजिकल ड्रॉट्स, ये जो हमको यहाँ पे बनते नजर आ रहे हैं ना, इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, स्नो कवर, परमा फ्रॉस्ट का रिड्यूस होना, ये सब आगे भी बढ़ेगा। अभी के लिए तो ये बढ़ ही रहा है, आगे भी ये बढ़ेगा। फिर भाई हैवी रेनफॉल के इंस्टेंस देखने को मिलेंगे, स्पोरैडिक इंस्टेंसेस तो अभी भी हमको हैवी रेनफॉल के देखने को मिले हैं। जब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब जो वर्ल्ड है ना, इट विल बी 10.5% वेटर, मतलब बारिश जो होगी बारिश के इंस्टेंसेस बढ़ जाएंगे और इंटेंस बारिश के इंस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। ओवरऑल आप देखोगे तो 1850 से लेके 1900 के टाइम पीरियड में जो वेटरनेस हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे अर्थ की, वो 1.5 टाइम्स होगी। आप देखते हो एकदम से चेन्नई में कुछ साल पहले बारिश आ गई थी, एकदम से बारिश आ जाती है, जैसे अभी जर्मनी में रिसेंटली फ्लड्स आ गए थे। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा है। और अगर एक बार टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है तो ये इंस्टेंसेस बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे पूरे दुनिया में बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पेरिस एग्रीमेंट को आए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई कंसेंसस नहीं आया है अलग अलग कंट्रीज में कि हाँ भाई बाइंडिंग बेसिस पे हम इतने एमिशंस रिड्यूस करेंगे। ना ही फंडिंग के ऊपर ज्यादा मदद आई है, ना ही क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ आया है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हीट वेव्स, हैवी रेनफॉल, इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी, ग्लोबल वाटर साइकिल खतरे में। तो किया क्या जा सकता है? करने का तरीका यह है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इन डेवलप्ड नेशंस को अपने लीगेसी एमिशंस को काउंटरैक्ट करने के लिए इफेक्टिव डीप कट्स करने पड़ेंगे। मतलब यूएस, यूके जैसे नेशंस जो कि पता नहीं कितने सालों से अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को चला रहे हैं, इतने सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके लिए इनको अपने कट्स को पहले कम करना पड़ेगा, अपने एमिशंस को पहले कम करना पड़ेगा, साथ साथ इनको क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना पड़ेगा इमर्जिंग इकोनॉमीज को, इनको पैसा देना पड़ेगा इमर्जिंग इकोनॉमीज को ओवरऑल अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, तब जाके इन डेवलपिंग नेशंस को कोई हेजिटेशन नहीं होगा एमिशन कट्स करने में। अभी के लिए तो ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं बहुत शाणों की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा के अभी ही डेवलपिंग कंट्रीज से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को, अपने डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर दें, लेकिन हम अपने डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को एक लिमिट से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पे ओवरऑल पहले इस एमिशंस की, इस ग्लोबल वार्मिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेवलप्ड नेशंस को लेनी पड़ेगी, इनको मदद प्रोवाइड करनी पड़ेगी डेवलपिंग नेशंस को, फिर डेफिनेटली डेवलपिंग नेशंस आगे आएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अनस्टेडी इन द सीएम चेयर, वेस्ट बंगाल कुड फेस अ क्राइसिस इफ ममता बनर्जी डजंट गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ ऑफ असेंबली पोस्ट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए ओवरऑल आपको पता है कि शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में हार गई थी ममता बनर्जी जी। हालांकि मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5-2 महीने पहले ही विनीत सर ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बट चलिए एक रिविजन सा हो रहा है। चूंकि ममता बनर्जी जी वाला टॉपिक हॉट है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी डिस्टेबलाइज हो सकती है आगे आने वाले समय में, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है। तो ममता बनर्जी जी को अगर चीफ मिनिस्टर बने रहना है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा। अभी वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। अब यहां पे ओवरऑल किया क्या जा सकता है? ओवरऑल किया ये जा सकता है कि अभी के लिए वेस्ट बंगाल की जो असेंबली है ना उसमें 7 सीटें खाली पड़ी हैं, वहां पे बाई इलेक्शन कंडक्ट कराने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उस बाई इलेक्शन के अंदर किसी भी एक सीट पे अगर ममता बनर्जी जीत जाती है तो चीफ मिनिस्टर बनी रहेंगी। अब वैसे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से ये बाई इलेक्शंस 6 महीने के अंदर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बाई इलेक्शंस 6 महीने के अंदर कराने हैं, लेकिन अब चीजें यहां पे या तो पॉलिटिसाइज होती नजर आ रही हैं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप को एम्बेरस होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है।
सेक्शन 151 ऑफ द आरपीए एक्ट 1951 मैंडेट द ईसीआई टू फुलफिल कैजुअल वैकेंसीज इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सीट खाली होती है किसी लेजिस्लेचर में, मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा में, तो उसके खाली होने के 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये नियम है। ओके, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है बाय अनदर 6 मंथ्स। ये कहां लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रेड विद आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रेड विद आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर वैकेंसी के 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पाता है ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस, तो 6 महीने के लिए आगे इन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन यहां पे जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहे हैं ना, तो वो बेसिकली आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल एंगल उसमें नजर आ रहा है। क्योंकि अब देखिए, जब आपके तमिलनाडु में इलेक्शंस चल रहे थे तो उस समय पे मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बड़ी तगड़ी फटकार लगाई थी। मैंने इस न्यूज को कवर भी किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेथ के लिए चार्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि इतने खराब COVID-19 के पैंडेमिक के समय पे इतने मेजर बेसिस पे कैंपेनिंग हो रही है, इलेक्शंस किए जा रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस समय पे डर गया था, उसको जुडिशरी का डर है। तो यहां पे बाई इलेक्शंस कंडक्ट कराने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो सकता है डर रहा हो। लेकिन देखिए, उस समय पे आप इतनी सारी हंड्रेड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीट्स पे, मतलब आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की असेंबली सीट पे इलेक्शन करा रहे थे, यहां पे केवल 7 सीटों पे इलेक्शन करवाने हैं। अब अगर यहां पे इन 7 सीटों पे इलेक्शन नहीं होते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हो सकता है कि बैक एंड से बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे प्रेशर डाल रही हो कि आप इलेक्शन मत करो। क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं, वैसे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, सरकार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कोई जोर नहीं है। बाई इलेक्शन कंडक्ट करने हैं या नहीं करने हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है। लेकिन पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की न्यूट्रल फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठाए गए। अगर पॉलिटिकल पार्टी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, तो बीजेपी तो ये चाहेगी कि यहाँ पे अगले 3 महीने भी इलेक्शंस ना हो और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जी के लिए ये मेजर एम्बेरसमेंट होगा। तृणमूल कांग्रेस के लिए एक मेजर एम्बेरसमेंट होगा कि उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को चुना है एज अ चीफ मिनिस्टर जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत तक नहीं पाया। लेकिन अब क्या होता है क्या नहीं होता वो तो देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इनफैक्ट जो कोलकाता के म्यूनिसिपल इलेक्शन है ना, वो भी पेंडिंग है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से पहले ही कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी अब तक पेंडिंग चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आर्टिकल 164(4) के हिसाब से संविधान क्या बोलता है कि कोई भी मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, अगर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लोकसभा का मेंबर नहीं है, तो वो मिनिस्टर रह सकता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए। उसके बाद उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उस टाइम पीरियड में अगर वो बाई इलेक्शंस के थ्रू मेंबर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन जाता है, तो वो चीफ मिनिस्टर बना रहेगा। वो समझिए, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में एक बात और बोली है। जब तेज प्रकाश सिंह को रीअपॉइंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर असेंबली टेन्योर में, जैसे कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शंस में टीएमसी 5 सालों के लिए इलेक्ट हुई है वेस्ट बंगाल में। अब यहां पे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, अब 6 महीने के अंदर इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, नहीं तो ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन करना पड़ेगा। अब एक बार ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन कर गई ना, उसके बाद ये एमएलए बन भी जाती है तो भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती अगले 5 सालों के लिए। ये किसने बोला है? ये तेज प्रकाश सिंह के बाद जो 2001 रूलिंग वाला केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया था कि मान लीजिए किसी एक को अपने मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया और वो 6 महीने के अंदर मेंबर नहीं बन पाता है, उसकी वजह से रिजाइन कर देता है, तो वो जो टेन्योर है उस असेंबली का, उस असेंबली टेन्योर के दौरान वो दोबारा मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो मतलब अगले 3 महीने के अंदर ममता बनर्जी जी यहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं बनती हैं, तो हो सकता है कि अगले 5 सालों के लिए जितना भी ये टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वेस्ट बंगाल का, शायद वो चीफ मिनिस्टर ना बन पाए और ये एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस होगी। हालांकि पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर जब बीसेन सिंह का एसेसिनेशन हुआ था, बिंद सिंह का, तो उसके बाद जो उनके बेटे थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे 6 महीने के लिए, फिर उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद फिर उसी टेन्योर के दौरान चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन ये 1995-1996 की बात है, जयललिता के साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 2001 में आई है। तो अभी के हिसाब से नियम कानून ये है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी अगले 3 महीने के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनती है तो उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा।
और उसके बाद अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर बन भी जाती हैं तो भी अगले 4.5 साल, मतलब जब तक ये पूरा टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहां पे ओवरऑल अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में काफी इनस्टेबिलिटी आती नजर आ रही है। अब बीजेपी का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी तो ये चाहेगा ही कि ममता बनर्जी ना बने, इससे जो मोरल ग्राउंड है तृणमूल कांग्रेस का वो वीक हो जाएगा कि उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट एक एमएलए की सीट भी नहीं जीत पाया। लेकिन इस प्रकार के इंस्टेंसेस बीजेपी को भी देखने पड़े हैं। 2017 में मनोहर पर्रिकर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था गोवा का, जब वो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर थे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत पर्सेकर जो कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नॉमिनी थे वो अपनी असेंबली सीट हार गए थे। फिर झारखंड में भी ऐसा हुआ था कि जो अर्जुन मुंडा साहब थे उनकी पार्टी जीती थी पर वो इलेक्शन हार गए थे, तो उनकी बजाय रघुबर दास को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था झारखंड का। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, तो वो यूपी असेंबली के मेंबर नहीं थे, बाद में वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने और फिर चीफ मिनिस्टर बने। और उनके जो दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स है ना, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये भी आप कह सकते हो कि राज्यसभा में पहुंचे हैं किसके दम पे, राज्यसभा मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो दिनेश आपके शर्मा है और केशव प्रसाद मौर्य है जो कि अभी के लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अपर हाउस देख के मैं राज्यसभा बोल गया था, क्योंकि स्टेट की बात हो रही तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो समझिए योगी आदित्यनाथ भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू चीफ मिनिस्टर बने यूपी के, और इनके जो दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक दिनेश शर्मा, ये दोनों भी आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने किसके थ्रू, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। तो योगी आदित्यनाथ भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इनफैक्ट 2019 में महाराष्ट्र के जब सीएम बने उद्धव ठाकरे तो ये भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू बने। लेकिन अब ममता बनर्जी जी के पास इस प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। अब ये अलग बात है कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था स्पेशल मेजोरिटी से और पार्लियामेंट से बोला था कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ, लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना मजाक नहीं है, सालों लग जाते हैं। आपको पता है राजस्थान ने 2012 में और आसाम ने 2010 में अपनी असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास किया था कि इन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए, लेकिन अब तक वो पार्लियामेंट में पेंडिंग है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से, लोकसभा से, राज्यसभा से आपको कानून पारित करना पड़ेगा, और वो कानून पारित बिना केंद्र सरकार की मदद के हो नहीं सकता। और वेस्ट बंगाल में तो देखिए केंद्र की सरकार बीजेपी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवाने वाली है नहीं, समझ गए। तो ओवरऑल यहाँ पे एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस वेस्ट बंगाल में आती नजर आ रही है, और इस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर अगर अगले 3 महीने के अंदर ये जो 7 सीट के बाई इलेक्शंस हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता है तो ममता बनर्जी जी को अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सार था। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक, द इंडियन प्लास्टिक पैक्ट विल बेनिफिट सोसाइटी द इकोनॉमी एंड द एनवायरमेंट, ये क्या बताया जा रहा। तो देखिए थ्योरी पढ़िए थोड़ी सी। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज लॉन्ग बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ एड्रेसिंग इश्यूज चैलेंजिंग द वेलबींग ऑफ सोसाइटी ऑफ द मेनी सस्टेनेबिलिटी चैलेंज दैट इंपैक्ट सोसाइटी क्लाइमेट चेंज एंड प्लास्टिक वेस्ट हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो देखिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अक्सर कर इस चीजों के बारे में बात करती रहती कि भाई सोसाइटी की वेलबींग को कैसे मेंटेन किया जाए, और ओवरऑल सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बातचीत होती है और प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर भी बातचीत होती है। 2019 की एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की, वो ये बोलता है कि 2050 तक प्लास्टिक की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे हैं ना वो 56 गीगाटन्स पे पहुंच सकते हो। अब अभी के लिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज को रोकना है तो केवल जो हमारे पास कार्बन बजट है उस कार्बन बजट का 10-13% तो प्लास्टिक की वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो जाएगा, ऐसा सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ बोलता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे हम लोगों को कुछ लोगों की नौकरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो फ्रॉम द एंगल ऑफ लाइवलीहुड्स पोस्ट कंज्यूमर सेग्रीगेशन कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स, आप कह सकते हो कि 15 लाख से 40 लाख जो वेस्ट पिकर्स हैं उनकी आधी इनकम कहाँ से आती है, प्लास्टिक से आती है। 2021 रिपोर्ट जो कमीशन की गई थी गूगल के द्वारा क्लोजिंग द प्लास्टिक सर्कुलरिटी गैप, इसने क्या बोला, अनलेस लार्ज स्केल ग्लोबल इंटरवेंशन आर मेड we should expect to mismanage more than 7.7 billion metric tons of plastic waste globally over the next 20 years. अगले 20 सालों तक 7.7 billion metric tons of
प्लास्टिक वेट्स गोबरी हम लोग मिसमैनेज कर देंगे, इसको गलत प्रकार से हम लोग इस्तेमाल कर देंगे और हो सकता है ये 7.7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में अपना रोल प्ले करे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ी प्रॉब्लम बनके हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कोट कर सकते हो 2019 की सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, जो कि ये बोलता है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस प्लास्टिक से पहुंच सकते हैं 56 गीगाटन, जो कि हमारे बचे हुए कार्बन बजट का 10-13% है। बचा हुआ कार्बन बजट मतलब कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज को रोकना है। तो ओवरऑल इंडिया के लिए सॉल्यूशन क्या है? इंडिया के लिए सॉल्यूशन है मल्टीप्रॉन्ग सिस्टमैटिक एंड लार्ज स्केल टू क्रिएट अ विजिबल इंपैक्ट। मतलब एक मल्टीप्रॉन्ग इनिशिएटिव हमको लेके आना है जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम रोक सकें। और ये मल्टीप्रॉन्ग इनिशिएटिव यहाँ क्या बताया जा रहा है? इसको बताया जा रहा है प्लास्टिक पैक्ट मॉडल। क्या है ये प्लास्टिक पैक्ट मॉडल? ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अभी के लिए बहुत सारी कंट्रीज में एक्टिव है। तो ये प्लास्टिक पैक्ट मॉडल कैसे काम करता है, इसके लिए हमारे पास साक्ष्य अवेलेबल है। यूके, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में प्लास्टिक पैक्ट चल रहा है और अभी इसी प्लास्टिक पैक्ट को इंडिया के कंटेक्स्ट में लेके आ रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। तो ये प्लास्टिक पैक्ट्स होता क्या है? दीज आर बिजनेस लेड इनिशिएटिव्स कैन ट्रांसफॉर्म द प्लास्टिक्स पैकेजिंग वैल्यू चेंज फॉर ऑल फॉर्मेट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज आपस में एक इनिशिएटिव लागू करेंगे और उसके बेसिस पे ओवरऑल पूरी की पूरी वैल्यू चेन में जहां जहां पे भी प्लास्टिक पैकेजिंग होती है वहां पे प्लास्टिक के फॉर्मेट को कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से प्लास्टिक की पैकेजिंग करनी है, कहां कहां पे प्लास्टिक्स को अवॉइड किया जा सकता है, जहां पे अवॉइड नहीं किया जा सकता है वहां पे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स को इस्तेमाल करना, रिसाइक्लिंग के लिए एक प्रॉपर वैल्यू चेन बनाना, एक सप्लाई चेन बनाना, ये सब काम होगा इस प्लास्टिक पैक्ट का। तो ओवरऑल ये पैक्ट 4 टारगेट्स को पूरा करेगा। पहला टारगेट है to eliminate unnecessary and problematic plastic packaging through redesign and innovation. ठीक है, unnecessary और problematic plastic packaging को हटाओ। दूसरा, to ensure all plastic packaging is reusable or recyclable. तीसरा, to increase the reuse, collection and recycling of plastic packaging. चौथा, to increase recycled content in plastic packaging. ये 4 चीजें अगर आप पूरी करते हो तो प्लास्टिक पैक्ट इंडिया का इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर इंडिया में प्लास्टिक पैक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये पहला होगा एशिया में। हालांकि इसको लॉन्च किया जा रहा है सितंबर में CII एनुअल सस्टेनेबिलिटी समिट में। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो कुछ भी करती है बड़े तरीके से करती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन प्लास्टिक पैक्ट हिट ही होगा, नो डाउट। इसके इंप्लीमेंट होने से रिसाइकल प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी, रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा प्लास्टिक का वहां पे नई नौकरियां प्रोड्यूस होंगी, वेस्ट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो बढ़ेंगी। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो पहला प्लास्टिक पैक्ट यूके में लॉन्च किया गया था 2018 में WRAP के द्वारा। WRAP एक ग्लोबल एनजीओ है, यूके की ही एनजीओ है, इन पार्टनरशिप विद एलन मैकआर्थर फाउंडेशन। तो एलन मैकआर्थर फाउंडेशन और WRAP जो कि ग्लोबल एनजीओ, इसने मिलकर पहला प्लास्टिक पैक्ट चलाया था यूके में और इसके चलते 120 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट लाए गए थे प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसके चलते यूके में 3 लाख टन की नई रिसाइकलिंग कैपेसिटी बनाई गई प्लास्टिक्स की। कुछ ऐसा ही इंडिया में करने की भी कोशिश की जा रही है और इंडिया के प्लास्टिक पैक्ट को भी जो WRAP नाम का जो ग्लोबल एनजीओ है जो कि यूके बेस्ड है वो सपोर्ट करेगा। तो इस पैक्ट के अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब की सीधी सीधी बात है कि भाई जो प्लास्टिक पैदा कर रहा है बना रहा है वही प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ करेगा। तो वो बिजनेसेस जो प्लास्टिक बना रहे हैं प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ करना भी उन बिजनेसेस का पार्ट होगा। ओवरऑल स्वच्छ भारत अभियान का इनिशिएटिव है ये, ठीक है भाई। इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर में पोस्ट कंज्यूमर सेग्रीगेशन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में ये पर्टिकुलर ओवर इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे लिए काम आ सकता है। तो इंडिया में प्लास्टिक पैक्ट को सक्सेसफुल करवाने के लिए दुनिया भर की एक्सपर्टाइज और नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का प्लास्टिक पैक्ट आगे सक्सेसफुल होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और ओवरऑल WWF इंडिया इस पूरे के पूरे पैक्ट को लागू कर रहा है, WRAP नाम का ग्लोबल एनजीओ इसको सपोर्ट कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेस। सरकार की तरफ से तो देखो इसको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये जो आर्टिकल है ये जमशेद एन गोदरेज साहब ने मिला है जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। तो ये था आज का एनालिसिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मुझे पता है वीडियोस थोड़ी लेट आनी, जैसे कि ये वीडियो आपको लगभग 11:20 पे मिल रही है, अब देखिए प्रीलिम्स तक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी ज्योग्राफी NCERT की भी वीडियोस बनानी होती हैं, बाकी स्टैटिक टॉपिक्स की वीडियो बनानी है, तो रात में थोड़ा देर से सोता हूँ इसलिए वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही हैं। ओके, तो प्रीलिम्स तक की बात है, उसके बाद से सुबह 7-8 बजे वाला जो मेरा
टाइम शेड्यूल था उस पर मैं फिर से स्विच ऑन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाना, ज्यादा से ज्यादा तादाद में ज्वाइन बटन दबा के मेरी हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।